हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक बॉय सौरभ। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप भीम ऐप में एक फाइल को क्रिएट करके उसके अंदर भी एक फाइल को मतलब कि बना कर कैसे उसमें आप गाना अपलोड कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हो जाना है भीम ऐप पर लॉगिन। लॉगिन होने के बाद आपको चले जाना है उस साइट पे जिस साइट पे आप फाइल बनाकर उसके अंदर भी फाइल बनाकर उसमें गाना अपलोड करना चाहते हो। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैं आपको बता दिया था कि भीम ऐप पर अपलोडिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा था, तो मैंने उसे सॉल्व कर दिया और अपलोडिंग सिस्टम सभी का काम कर रहा है। जो मेरे उस वीडियो को देख लिया होगा, सभी का 100% काम कर रहा है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक रहेगा, आप जाकर उसे देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक से बात करने वाले हैं उसे स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम चले जाते हैं फाइल मैनेजर पर। फाइल मैनेजर पर जाने के बाद हम एक फोल्डर क्रिएट करके आपको दिखा देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करूँगा थैंक्स, तो इसके अंदर भी मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। आज मैं इसको सीखने वाला हूँ कि कैसे इसके अंदर भी फोल्डर क्रिएट करके उसमें गाना अपलोड कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं फोल्डर क्रिएट करके लिख देता हूँ न्यू फाइल्स करके मेक कर देता हूँ। तो हो गया। अब आपको क्या करना है, पैनल में जाना है और फिर सबको चाहिए है फाइल मैनेजर। तो देखिए, पर एक थैंक्स का फोल्डर बन गया। अब हमें जाना है इसके अंदर। इसके अंदर जाने के बाद देख सकते हैं आप, मैंने न्यू फाइल्स क्रिएट किया था वो यहाँ पर आ गया। और आपको बस ये ध्यान रखना है, ये जो डी इज इक्वल टू 5 आप देख रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको चले जाना है, यहाँ पर क्लिक करके चले जाना है मैनेज पेज पे। तो हमने पिछले वीडियो में जिसको बनाना सीख लिया था वो था अपलोड एडमिन। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, जाकर देख लो कि कैसे अपलोड सिस्टम को सॉल्व किया जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं इसमें। आपने अगर मतलब कि पिछले वीडियो को देख लिया तभी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अपलोड फाइल हमने कब क्रिएट किया था, इससे हम अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए आप चलते हैं पैनल पे। उसके बाद हमें जाना है एलिमेंट आइटम, उसके बाद हमें जाना है एडिट पे इसका। और यह बार आप देख सकते हो यहाँ पर जो 0 लिखा रहा है इस वाले इसमें, ये जो आपको दिख रहा है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये जो 0 दिख रहा है, ये वाला 0, आपको क्या करना है, इसमें क्लिक करके इसे काट करके कर देना है 5। मतलब कि हमने जिस फाइल आपको अभी क्रिएट किया था न्यू फाइल्स, उसका आईडी नंबर था 5। तो अब आपको क्या करना है, कर देना है एडिट। तो अब आपको व्यू करना है और आपको क्लिक कर देना है अपलोड फाइल पे फिर से। तो देख सकते हैं यहाँ पर थैंक्स न्यू फाइल। अब आपका जो भी गाना रहेगा वो न्यू फाइल्स पे अपलोड होगा। तो मैं गाना अपलोड करके दिखा देता हूँ। क्लिक करने के बाद एक फाइल को चूज कर लेता हूँ। तो जाता हूँ डाउनलोड्स पे और एक गाने को कर देता हूँ अपलोड। जैसे कि इसको कर देता हूँ अपलोड। तो यह भी अपलोड हो रहा है। अगर इसमें कुछ एरर है तो वो दिखा देगा। इसमें कोई एरर भी नहीं हो सकता क्योंकि अपलोड हो गया। अब मैं आपको रूट में जाकर दिखा देता हूँ। एरर रूट मतलब कि फाइल मैनेजर, इसमें मैं जाकर दिखा देता हूँ। इंटरनल सर्वर एरर दिखा रहा है, देखते हैं। मेरा लॉग आउट हो गया, मैं लॉग इन करके देख लेता हूँ। तो दोस्तों, मेरा लॉग आउट हो गया था कुछ कारणों की वजह से।
तो मैं आप आ गया फाइल मैनेजर पे, उसके बाद मैं जाकर दे देता हूँ थैंक्स और न्यू फाइल्स। तो देख सकते हो आप यहाँ पर मेरा गाना अपलोड हो गया, मैंने मेरा फैन का एक गानों को अपलोड कर दिया यहाँ पर आपको दिखाने के लिए। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, आपको बस क्या करना है, ये जो डी इज इक्वल टू क्या नंबर आया है आपको बस ये ध्यान रखना है। आप जितनी भी जिसके अंदर भी जितनी भी फाइल आप क्रिएट कर लो, इसके अंदर जाकर जैसे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 100 रुपये करके मेक कर देता हूँ। हाँ, मैं न्यू एम्पिशन से जाकर आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो इसका भी एक आईडी नंबर बन गया। आपको बस क्या करना है, आपको जाना है मैनेज पेज, आपको बस आईडी नंबर ध्यान रखना है कि मैं किस फोल्डर में गाना अपलोड करूँगा, क्योंकि देख सकते हो ये जो अपलोड सिस्टम है इसका वर्क नहीं कर रहा है, तो मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ आपके, तो आप समझ रहे हो कि कैसे आपको ये करना है। तो आपको जाना है मैनेज पेज पे, आपको वैसे आईडी नंबर ध्यान रखना है दोस्तों। मैनेज पेज पे जाके आपको जाना है अपलोड एडमिन, या अपलोड एडमिन कैसे क्रिएट करते हैं उसके वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद आपको जाना है एलिमेंट आइटम, उसका जाना है एडिट, और यहाँ पर आपको ये जो DIR 5 दिख रहा है आपके ये से सीज करना है, मतलब कि आपको बस इसे चेंज करते रहना है और कुछ नहीं चेंज करना, जितनी भी आईडी नंबर रहेगा उसे चेंज करके आपको कर देना है एडिट। और उसके बाद आपको जाना है व्यू पे, और उसके बाद आपको जाना है अपलोड फाइल, तो भी आपका अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों आपने समझ गए कि आपको कैसे फोल्डर का अंडर फोल्डर क्रिएट करके गाना को अपलोड कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप VMO में क्या सीखना चाहते हो कमेंट कर दो, मैं वो आपको सिखा दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।